हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय शर्मा बिग बी ए फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि चॉइस फिलिंग कैसे होती है और चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, क्या चॉइस फिलिंग करने से सीट अलॉटमेंट में कुछ फ़ायदा मिलता है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे हैं और कुछ जो ये पेड काउंसलर हैं बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं कि इस तरीके से आपकी काउंसलिंग कर देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको पूरी अलॉटमेंट प्रोसेस यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ, किस तरीके से अलॉटमेंट होता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है अलॉटमेंट का, पूरा डिटेल ए टू जेड आपको समझाया जाएगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए, तो सबसे पहले ये हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है, आप चॉइस फिलिंग इस लिस्ट के अकॉर्डिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये करीबन 160 कॉलेज के आसपास की लिस्ट है, ठीक है। चलिए, तो लिस्ट तो बाद में बात करेंगे लिस्ट के लिए, पहले तो मैं जो आपको मूल टॉपिक है कि अलॉटमेंट कैसे होता है वो बताना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर अलॉटमेंट कैसे करता है ये आपको मैं आज डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए ये किसी स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग की हुई है, ठीक है। अब देखिए, उस स्टूडेंट की सबसे पहली पॉइंट है कि उस स्टूडेंट की रैंक क्या है, ठीक है। मान लीजिए उस स्टूडेंट की रैंक जो है 100 है, आप समझिए, और उसने ये चॉइस फिलिंग की, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, तो 100 है। अब सॉफ्टवेयर क्या करने वाला है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर नंबर 1 रैंक वाले की चॉइस फिलिंग पर जाएगा। ध्यान से सुने आप, 100 वाले ने कोई भी चॉइस फिलिंग की हो अभी कोई मतलब नहीं, अभी तो नंबर 1 वाले की चॉइस फिलिंग पर जाएगा। नंबर 1 वाले ने जो नंबर 1 चॉइस की होगी, नंबर 1 वाले ने जो फर्स्ट चॉइस की होगी वही उसको मिल जाएगी, उसके नीचे की चॉइस खत्म। ध्यान से समझिए, अब सॉफ्टवेयर नंबर 2 वाली रैंक पर जाएगा, ठीक है। नंबर 2 रैंक जिसकी होगी, अभी अपन बात कर लेते जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो उसने अपनी जो चॉइस सबसे पहले भरी होगी वही उसको मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो कोई और बच्चा है नहीं, एक ही सीट खत्म हुई। इसी प्रोसीजर में सॉफ्टवेयर नंबर 3 रैंक वाले के पास जाएगा, नंबर 4, नंबर 5, यानी यहां पर आप ध्यान रखें रैंक महत्वपूर्ण है। अब जब 100 रैंक वाले पर सॉफ्टवेयर आया, अब मान लीजिए 100 रैंक आपकी जनरल में 100 रैंक है, ठीक है। तो जनरल में 100 रैंक में देखिए, आपने सबसे पहले एम्स भरा, लेकिन एम्स की पूरी सीटें भर चुकी, तो आपकी ये फर्स्ट जो चॉइस है उसको कैंसिल कर देगा, कहेगा नहीं आपको ये फर्स्ट चॉइस नहीं मिल सकती। अब नंबर 2 जिपमर पे आया, जिपमर की भी मान लीजिए पूरी सीटें 100 रैंक तक जो जनरल कैटेगरी थी की थी, ठीक है भाई, 100 रैंक तक जनरल कैटेगरी की सीटें जो थी, ठीक है, मान लीजिए ये पूरी की पूरी भर जाती हैं, तो ये इसको नहीं देगा। अब आया 3 मौलाना आज़ाद, अब इसकी सीट है तो ये सीट इसको अलाट कर दी जाएगी। अब मान लीजिए 100 रैंक वाले स्टूडेंट्स ने ये 2 कॉलेज भरे ही नहीं होते तो भी उसको ये सीट मिलती, तो चॉइस भरने से आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा या कोई कॉलेज नहीं मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप चॉइस फिलिंग हमेशा बेस्ट कॉलेज से ख़राब कॉलेज की तरफ करें, ठीक है भाई। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, आप और समझा देते हैं डिटेल में। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की रैंक जो है 500 है, उसने भी ये चॉइस फिलिंग की, ठीक है, मान लीजिए 500 है, तो सबसे पहले उसकी रैंक पे सॉफ्टवेयर आया 500, तो देखिए एम्स की पूरी सीटें भर चुकी तो एम्स नहीं मिलेगा, जिपमर की पूरी भर चुकी, मौलाना की पूरी भर चुकी, एम्स भोपाल देखेगा 500 रैंक वाले के लिए, हो सकता भाई एम्स भोपाल की सीटें पूरी भर चुकी तो उसको नहीं मिल पाएगा। एम्स जोधपुर आया, एम्स जोधपुर की भी मान लीजिए 500 रैंक तक पूरी सीटें भर चुकी तो नहीं मिलेगा। सफदरगंज पे आया, सफदरगंज भी भर चुका तो नहीं मिलेगा उसको। यूनिवर्सिटी कॉलेज पे आया, इसकी सीट खाली थी, मिल जाएगा उसको 500 रैंक वाले को। तो अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन पहले जो आप भर रहे हैं उससे आपको कॉलेज कोई मिलने की संभावना है, वो तो फर्स्ट रैंक वाले से लेके 499 तक वाले को आपके पहले अलॉट करेगा, तब जाके आपको अलॉटमेंट मिलेगा। हमारे ख्याल से समझ में
आ गया होगा भाई, किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।